अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज मैं चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो ये मेरे पास एक वर्ड है, GSHEN, ठीक है। इसको हम कैसे बोलेंगे? शन, जैसा कि हम इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, शन। और TI को थी, जैसा कि हमने पहले लेक्चर्स में देखा कि TA हमारे पास था एक वर्ड, चाइनीज वर्ड था, जिसका मतलब था ही शी इट। यानी टी अगर आ जाए तो इसको कैसे बोलेंगे? थे के तौर पर। तो TI थी, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शन थी, शन थी, शन थी, मतलब हेल्थ यानी सेहत, ठीक है। तो शन थी का मतलब क्या हुआ? सेहत। इसको कैसे बोलेंगे? शन थी, शन थी, शन थी, मीन हेल्थ यानी सेहत। अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि नी हाओ मा, इसका मतलब क्या था? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इसी तरह अगर हम कह देंगे नी शन थी हाओ मा, नी शन थी हाओ मा, तो इसका मतलब हो जाएगा हाउ इज योर हेल्थ, आपकी सेहत कैसी है। जैसा कि आप जुमले से देखें, आपकी यानी नी सेहत, शन थी सेहत, हाउ कैसी, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नी शन थी हाओ मा, आपकी सेहत कैसी है, ठीक है। नी शन थी हाओ मा, समझ रहे हैं कि शन थी यहां पे क्यों आया पहले हाओ से। पहले तो आपने इस पे गौर किया कि नी हाओ मा मीन आप कैसे हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं आपकी सेहत कैसी है तो आप कहेंगे नी शन थी आपकी सेहत, हाओ मा कैसी है। तो आपको पता है कि सवाल के अंदर ही जवाब होता है चाइनीज के अंदर। तो सिंपल, वा मेरी शन थी सेहत हन हाओ अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। माई हेल्थ इज वेरी गुड, वा शन थी हन हाओ, ये इसका आंसर होगा। वा शन थी हन हाओ, वा शन थी हन हाओ, वा शन थी हन हाओ, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी नी हाओ मा, आप कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वा हन हाओ, मैं बहुत अच्छा हूं। तो फिर आपसे वो अगला बंदा क्वेश्चन करता है जी नी शन थी हाओ मा, और आपकी सेहत कैसी है, तो आप कहेंगे मेरी सेहत भी ठीक है, मेरी सेहत भी बहुत अच्छी है। तो आप कैसे कहेंगे? वा शन थी ये हन हाओ, मेरी सेहत भी बहुत अच्छी है, ठीक है। दोबारा से आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा नी हाओ मा, आप कैसे हैं, आपने जवाब देना है जी मैं बहुत अच्छा हूं, वा हन हाओ। फिर वो आपसे सवाल करता है आपकी सेहत कैसी है, तो आप क्या जवाब देंगे उसे? मेरी सेहत भी अच्छी है, यानी बी आप लगाएंगे। तो बी के लिए हमने क्या देखा था, चाइनीज क्या है? ये। यानी वो आपसे क्वेश्चन दोबारा पूछेगा, क्या कहेगा? नी शन थी हाओ मा, तो आप उसे रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे वा शन थी ये हन हाओ, यानी मेरी सेहत भी ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। पता चल गया इसके ये भी कहां लगेगा। इसी तरह आप कह सकते, आपसे कोई पूछ सकता है जी नी पापा हाओ मा, आपके अब्बू कैसे हैं, ठीक है। पापा, बी ए बी ए, पापा, नी पापा हाओ मा, तो आप कहेंगे वा पापा हन हाओ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आपने देखा कि अगर आपको बेसिक के ऊपर अगर आपको ग्रिप है, बेसिक को अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया, जो पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखें वो क्वेश्चन हम करते थे नी हाओ मा, तो बस हमने वहां पे क्या लगा दिया, एक एडिशन कर दी पापा, यानी जिसका हम हाल पूछना चाहते हैं। हमने कहा जी सेहत, तो हमने कह दिया नी शन थी, तो अब पापा, तो नी पापा। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं जी नी ग ग हाओ मा, आपके बड़े भाई कैसे हैं, तो आप जवाब देंगे वा ग ग हन हाओ, मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह आप कोई भी रिलेशन लगा के उसका हाल पूछ सकते हैं।
इसी तरह आप पूछ सकते हैं जी नी मामा, आपकी मामा की शंथी सेहत हाउमा कैसी है। नी मामा शंथी हाउमा, आपकी मामा की सेहत कैसी है, आपकी अम्मी की सेहत कैसी है। तो जवाब क्या होगा, वा मामा शंथी हन हाओ, मेरी वालदा मेरी अम्मी की सेहत बहुत अच्छी है। ठीक है, दोबारा देखें नी मामा शंथी, ये देखें अगर आप उर्दू पे गौर करें इसके तर्जमे पे तो कहता है आपकी मामा की सेहत, यानी पहले आपकी, नी मामा, मामा आ गया, की सेहत यानी शंथी कैसी है हाओ मा। ठीक है, उसी तरह आपने जवाब भी दे देना है वा मामा शंथी हन हाओ। ठीक है, उसके बाद जी हम देखेंगे इस वीडियो में पोसेशन मतलब मलकियत, ऐसे वर्ड जो मलकियत को जाहिर करते हैं यानी मेरा उसकी तेरा। ठीक है, इन चीजों को बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस वर्ड को देख लें, चाइनीज में डीई अगर आ हो तो इसे हम बोलते हैं द, द जिस तरह पंजाबी में कहा जाता है मैंने उसे दा लगा दिया द। ठीक है, द ज्यादा लंबा नहीं करना, द द द। ठीक है, तो बस जस्ट इसको देखें, अगर आप सॉरी वा हमने देखा था वा, वा मीन आई मैं, तो मैं से मेरा अगर करना हो तो क्या करेंगे हम, जस्ट वा द वा द वा द वा द, यानी माई मेरा। ठीक है, वा द वा के साथ द लगा दिया। इसी तरह नी यानी आपका तुम्हारा, नी यानी तुम यू, तो उसके साथ अगर द लगा दिया नी द नी द नी द यानी योर आपका आपकी। ठीक है, इसी तरह टी ए यानी था मीन ही शी, तो था द अगर इसके साथ डी द लगा दिया तो क्या बन जाएगा, था द मीन हिज या हर, उसका उसकी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपने देखा कि जो तीन वर्ड थे वा द नी द था द, ये मलकियत को शो करते हैं यानी मेरा उसका योर। ठीक है, ये जस्ट आपको बता दिया। अगर आप कहना चाहते हैं मेरा दोस्त माई फ्रेंड, तो फ्रेंड की चाइनीज थी फंग यो, तो आप जस्ट कहेंगे वा द फंग यो वा द फंग यो वा द फंग यो, मेरा दोस्त। इसी तरह आप कहेंगे जी था द पापा था द पापा था द पापा, यानी हिज फादर या हर फादर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास था द वा द और नी द। उसके बाद हमने देखा, पहले देखा हमने शंथी यानी सेहत। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें हमारे पास है जी नी द नाए नाए, नी द यानी योर, नाए नाए यानी ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड मदर तुम्हारी ग्रैंड मदर। ठीक है, नी द नाए नाए नी द नाए नाए। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसान था, आपसे फिर कहूंगा कि बहुत सारी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं आने वाली, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। और मैं बार बार बोलता हूं तो इसका मकसद यही होता है कि मैं आपको लेक्चर के दौरान ही बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूं, अदरवाइज मुझे कोई फायदा नहीं है बार 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 रिपीट करने का। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को।